बैटरीज का यूज़ किया जाता है उन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर जो कि वायरलेस होते हैं, यानी कि वो मतलब बिना वायर के ही उनको चलाया जा सकता है, वो भी सिर्फ इन बैटरीज की मदद से। तो जैसे कि देखो यहाँ पर ये एक मेरे पास में रिमोट कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोलर टीवी का, इसमें भी ये सेल यूज़ होता है, और भी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। ये वायरलेस माउस, इसके अंदर भी एक ये वाला डबल ए सेल यूज़ होता है, और टॉर्च इसमें भी यूज़ होता है सेल, मल्टीमीटर इसके अंदर ये 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ होती है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर इसके अंदर भी ये सेल यूज़ होता है, एक और रिमोट इसके अंदर भी इसी सेल का यूज़ होता है, लेकिन ये थोड़ा छोटा होता है साइज़ में, इस सेल का यूज़ होता है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, आपने इनमें देखा होगा कि इनमें यही ये वाले ही यूज़ होते हैं सेल्स। ये देखो ये वाली बैटरीज, इन सभी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यही बैटरीज का यूज़ होता है, लेकिन और भी काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब काफ़ी सारी गैजेट्स हैं, जैसे कि क्लॉक हो गया या फिर टेलीफोन हो गया, मतलब इन सब चीज़ों में भी इन बैटरीज या फिर सेल का यूज़ होता है। लेकिन जैसे ही आप देख सकते हो मेरे पास एक रिस्ट वॉच है, देख सकते हो मेरे पास में एक रिस्ट वॉच है, ठीक है। अब इस रिस्ट वॉच के अंदर, ये रिस्ट वॉच आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से काम कर रही है, देखो काम कर रही है रिस्ट वॉच। तो इसके अंदर क्या है, तो मतलब इसके अंदर कोई 9 वोल्ट की बैटरी तो नहीं है। देखो अब मैं 9 वोल्ट की बैटरी, देखो इसका साइज़ कितना बड़ा है, हमारी रिस्ट वॉच से कितना ज़्यादा बड़ा है। ना ही इसके अंदर ये डबल ए सेल है, ना ही इसके अंदर ये ट्रिपल ए सेल है, देखो है ना। तो इसके अंदर क्या यूज़ होता है, ये जो है इसके अंदर यूज़ क्या होता है, इसके अंदर कुछ इस तरह का छोटे साइज़ का बटन सेल यूज़ होता है। देखो कितना छोटा इसका साइज़ है, इस सेल का यूज़ होता है इसके अंदर, और भी काफ़ी चीज़ों में इसका यूज़ होता है, जैसे कि ये कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर के अंदर भी मतलब इस सेल का यूज़ नहीं किया जा सकता, इस बैटरी का यूज़ भी नहीं किया जा सकता, और इस डबल ए सेल का यूज़ भी नहीं किया जा सकता। इसके अंदर भी ऐसे ही छोटे साइज़ के सेल का यूज़ किया जाता है, और साथ ही में आपने थर्मामीटर तो देखा ही होगा, डिजिटल थर्मामीटर, इसके अंदर भी आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरह का एक छोटे साइज़ का सेल यूज़ किया जाता है। तो मतलब इन इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इन तीनों में छोटा सेल यूज़ होता है, और इन सब में बड़ी बैटरीज यूज़ होती हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि इतना ज़्यादा छोटे साइज़ का सेल इसके अंदर क्या होता है, यानी कि जो सेल है ये काम कैसे करता है, मतलब ये हमारी मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ये वाली जो चीज़ें हैं जिनसे ये छोटे वाले सेल से जो चीज़ें चलती हैं, वो मतलब किस तरह से चल जाती हैं, मतलब किस तरह से काम करती हैं सब चीज़ें। मतलब आपने नोटिस किया होगा कि आपकी जो घड़ी है, मतलब ये जो रिस्ट वॉच होती है, इसका जो सेल है वो कितने टाइम तक ख़राब नहीं होता, तो इस सेल के अंदर क्या होता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी सेल को खोल कर देखने वाले हैं कि सेल के अंदर क्या होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जो कुछ भी दिखाया गया पूरी सेफ्टी के साथ किया गया, तो आप ऐसा कुछ भी घर पर करने की कोशिश मत कीजिएगा, अगर करना ही है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों ये जो बटन सेल होते हैं, यानी कि छोटे साइज के सेल होते हैं जो हमारे रिस्ट वॉच इसके अंदर यूज किए जाते हैं, इनका साइज, इनकी प्रॉब्लम क्या है, इनका साइज कुछ जरूरत से ज्यादा ही छोटा, मतलब इसका साइज इतना ज्यादा छोटा है कि हमें इसको खोलने में बड़ी ही दिक्कत आ रही है। मतलब मैंने इसको खोल कर देखा था, लेकिन ये खुला बिल्कुल भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे थोड़े बड़े साइज़ का सेल खोल कर देखा जाए। देखो इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, मतलब हम इस सेल को नहीं खोलेंगे, इसका साइज़ देखो अब कितना छोटा है और इसका कितना बड़ा है, देख सकते हो इसका साइज़ कितना ज़्यादा बड़ा है, ये देखो मतलब दोनों में फ़र्क कितना है देखो। लेकिन दोनों का काम सेम है, मतलब दोनों का यूज़ सेम ही जगह पर किया जाता है, तो मतलब इन दोनों में ज़्यादा फ़र्क कुछ भी नहीं है, बस साइज़ थोड़ा बड़ा है, और हमें साइज़ बड़ा भी चाहिए जिससे कि हमें खोलने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। तो चलो इस वाले सेल को ही हम खोल कर देखते हैं। तो मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है कि सेल किस तरह से खुलता है, मतलब मैं थोड़ा बहुत आइडिया लगा रहा हूँ, शायद इस तरह से
इसको पहले मैं इसकी मदद से पकड़ लेता हूँ, और अब शायद हमें यहाँ पर कुछ स्क्रीन ड्राइवर की मदद से इसको उतारना पड़ेगा। कुछ इस तरह से शायद हम इसको खोल सकते हैं या फिर नहीं, नहीं खुल रहा। चलो इसको थोड़ा कुछ इस तरह से इसको हैमर की मदद से इसको बीट करके देखते हैं, यानी कि हैमर की मदद से देखते हैं। ये देखो, ये इसके साथ मैग्नेट की तरह चिपक गया। देखो मतलब मैग्नेट की तरह ये काम करता है, क्योंकि जो स्क्रू ड्राइवर का टिप होता है ये मैग्नेट ही होता है एक तरह का। तो देखो ये देखो, अब चलो यहाँ पर हैमर के साथ इसको बीट करते हैं जिससे कि ये थोड़ा लूज हो जाए। तो वो मैं अगर ज़्यादा ज़ोर से किया तो शायद सेल ख़राब हो सकता है। मतलब ख़राब तो वैसे सेल है, लेकिन जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सेल के अंदर होता क्या है वो मैं अच्छे से नहीं दिखा पाऊँगा, तो मुझे थोड़ा सा ध्यान से करना होगा। सेल किधर गया ये? इसके अंदर थोड़ा सा एक निशान तो बन चुका है, लेकिन अभी भी ये खुला नहीं है। चलो मैं इसको थोड़ी और कोशिश करके देखता हूँ, शायद अब खुल जाए तो मैं शायद वीडियो को थोड़ा कट कर सकता हूँ। दोस्तों मैंने हैमर इतनी ज़ोर से बीट किया कि ये जो स्क्रू ड्राइवर था ये इसके आर पार हो चुका है, देख सकते हो। अब ये इसके अंदर बुरी तरह से फंस चुका है और ये निकलने का नाम भी नहीं ले रहा, नहीं निकल रहा यार ये। इसकी मदद से निकाल कर देखते हैं, शायद निकल जाए। निकल जा भाई। और ये शायद ये खुल भी चुका है। इसके अंदर से थोड़ा बहुत जो केमिकल निकलने लग गया, यानी कि मुझे ये मैं यानी कि थोड़ा देख सकते हो, ये बिल्कुल मतलब आर पार हो चुका है, देख सकते हो। मतलब इसके हम आर पार देख सकते हैं सेल के, मतलब ये इसके अंदर एक काफ़ी बड़ा होल हो चुका है। चलो इसको खोल कर देखते हैं। सो गाइस, अब फाइनली जो है ये बाहर आने वाला है, यानी कि इसका जो ऊपर वाला कवर है ये बाहर निकलने वाला है। मैं इसको प्लायर की मदद से इसको ग्रिप के लिए इसको थोड़ा पकड़ लिया हुआ है। और चलो अब इसको यहाँ से थोड़ा उतारना शुरू करते हैं। ये थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है इस सेल के अंदर, आज पता लग ही जाएगा। देख सकते हो इसके अंदर से केमिकल आपको दिख रहा होगा, जो केमिकल होता है शायद लिथियम होता है इसके अंदर। लिथियम यूज़ किया जाता है इसके अंदर एनर्जी के लिए। आगे देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। जो ये मतलब ये वाला जो डबल ए सेल होता है, इनके अंदर लिथियम यूज़ नहीं होता, इनके अंदर लेड यूज़ किया जाता है। लेड या फिर हम ग्रेफाइट भी हम उसको कह सकते हैं। लेड या ग्रेफाइट एक ही बात होती है, वो इसके अंदर यूज़ की जाती है। इसके अंदर भी लेड, इन 9 वोल्ट बैटरी के अंदर भी लेड ही यूज़ किया जाता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो पी बी का मतलब होता है लेड, लेकिन इसके अंदर लेड नहीं, इसके अंदर लिथियम यूज़ हुआ जाता है, इसके अंदर लेड नहीं होता हमारा। देखो मैंने इसका इस ऊपर वाला जो कवर था इसको मैंने उतार दिया। देखो ये देखो कुछ इस तरह का होता है, ये देखो। ये देखो कुछ इस तरह का होता है, और यहाँ पर कुछ इस तरह का होता है। ये देखो मैं इसको टच नहीं करना चाहूँगा, मैं आप सिर्फ इसे देखना चाहता हूँ कि क्या है। ये देखो यहाँ पर ऊपर की तरफ ये कुछ इस तरह का कलर है, या फिर नीचे की तरफ कुछ ब्लैक सा कलर हमें दिख रहा है। ये भी मतलब मुझे लगता है शायद ये लिथियम ऊपर वाला होगा और नीचे वाला जो है ग्रेफाइट होगा। शायद लिथियम भी ऊपर वाला लिथियम होगा और शायद नीचे वाला ग्रेफाइट या फिर लेड होगा, जो कि ऊपर वाला नेगेटिव होता है और नीचे वाला पॉजिटिव। हाँ अब मुझे समझ में आ गया। तो ये देखो, और इसके नीचे कुछ भी नहीं है। ये देखो नीचे सिर्फ आप देख सकते हो, नीचे की तरफ देखो आप, इसके नीचे सिर्फ लेड ही भरा हुआ है। देखो कितना सारा लेड है, ये देखो देखो लेड कितना सारा है इसके अंदर। मतलब बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा इस डबल ए सेल के अंदर होता है। मतलब डबल ए सेल के अंदर भी कुछ इस तरह का ही हमें देखने को मिलता है। अगर हम इसको खोलेंगे तो इसके अंदर इस तरह से नहीं भरा होता, बल्कि इसके अंदर एक रॉड होती है। यानी कि अगर उसको खोलोगे, यानी कि इसके अंदर थोड़ा इसको काट दोगे, इसके अंदर से एक रॉड निकलेगी जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में जोड़ती है। वो रॉड लेड की बनी होती है और उसके आसपास लिथियम, शायद हो सकता है ग्रेफाइट हो, मुझे कुछ अभी आइडिया नहीं है।
लेकिन इसके अंदर कुछ इस तरह का होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग है। यहाँ पर कोई रॉड वगैरह नहीं यूज़ किया जाता क्योंकि इसका साइज काफ़ी छोटा होता है, तो कुछ इस तरह का होता है एक छोटे साइज के सेल के अंदर का राज। इतने छोटे साइज, अब देखो यहाँ पर मैंने छोटे साइज का सेल भी दिखाया, मतलब ये बड़ा साइज सेल है, तब इन दोनों के अंदर ज़्यादा फर्क बिल्कुल भी नहीं है, दोनों सेम ही है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।